सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बी न्यूज पर आपका स्वागत है। देवरिया में हिंदी में कुछ अफवाह फैलाई जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए लोगों के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने को बोला जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है वे मैसेज, उसमें क्या लिखा है। देवरिया जिला के भाटपाड़ गाँव के पास अति प्राचीन रानी घाट शिव मंदिर में कल शाम को पुजारी जी पूजा कर रहे थे, तभी बहुत बड़ी एक चिड़िया आई। पुजारी चिड़िया को देख कर बेहोश हो गए। तभी चिड़िया ने कैया का रूप धारण कर पुजारी जी से बोली कि नहा के आसपास पाप बहुत बढ़ रहा है, मैं 26 जनवरी 2022 को जन्म लूंगी। जो भी यह मेरी कही हुई बातों को आस पास में तथा एक दूसरे तक कहेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी पुजारी जी ने एक व्यक्ति से कहा, उसने वाटर स्पर्शन कर दिया, उसे दूसरे दिन 20 लाख मिल गए। बड़े लगनज के डॉक्टर फैयाज ने 252 लोगों तक बताया, उन्हें तुरंत 50 लाख का प्रॉपर्टी मिल गई। और वहीं के गोपाल जी पांडे ने 20 लोगों को भेजा तो उनकी नई चक्की खुल गई। नरहरपुर के प्रेमचंद मधेशिया ने 15 लोगों को भेजा, उन्हें नरहरपुर की प्रधानी मिल गई। और लल्लू यादव मोनू सोनू गौड़ ने उसे पढ़कर अनसुना कर दिया, उसकी नौकरी चली गई और उनको पुलिस उठाकर जेल में बंद कर दी है। मुन्ना पांडे ने भी यह अनसुना कर दिया तो उनको हार्ट अटैक आ गया। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। समस्त भक्तगण भी न्यूज देखने वाले अपने सभी साथियों से आग्रह करता, इस तरह के मैसेज का लोगों के दिल में गलत मैसेज आता है तो इसे शेयर ना करें, यह पूरी तरह से झूठ है। इसी युग कलयुग में ऐसा नहीं हो सकता कभी।